Dear students and viewers, assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important topic from this chapter, that is heredity and genetics. तो topic का नाम है evolution. तो evolution क्या है? Evolution actually shows us the sequence of changes that takes place in a primitive organism. That takes place in a primitive organism. Where various years or millions of years to which new species are formed is called evolution. Actually, evolution जो है, evolution काफी changes का एक sequence है, एक तरतीब है, जो किसी primitive organism में take place होती है. Primitive organisms हम उन organisms को कहते हैं जो कि इस धरती पे, इस जमीन में पहले मौजूद थी. तो इन organisms में actually इन primitive organisms या first organisms में या first level of organism में कुछ changes आती है. उन्हीं changes, जो changes हैं, ये एक साल के लिए, दो साल के लिए नहीं, बल्कि ये millions of years में आती है. तो इससे क्या होती है, इससे नई species बनती है. इसको हम evolution कहते हैं. तो जो ये evolution है, evolution का एक अहम role है इस मामले के लिए जो कि life इस planet पे present है. और we can state that it is through the process of evolution that the origin of life, or we can state that an enormous variety of plants, animals have come to exist on this earth at present. In a present situation में जो ये plants और animals का यहाँ पर जो ये plants and animals यहाँ पे मौजूद है, ये सिर्फ किसकी वजह से है? Evolution की वजह से है. यहां हम ये कहेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है इस प्लेनेट पे, जो बायोडाइवर्सिटी है, दिस बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू द फैक्टर ऑफ दिस इवोल्यूशन. एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखेंगे कि जो भी प्लांट लाइफ यहाँ पे है, इसको हम मुख्तलिफ फाइलम में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं. जो पहले हिस्से हैं वो यूनिसेल्यूलर थे, इसके बाद जो है वो उनमें क्या, उनमें चेंजेस आ गई. यह हम यूजुअली कहते हैं कि पहले जो प्लांट थे दे वर माइक्रोस्कोपिक, वायरलेस. इस वक्त की जो प्लांट लाइफ है दैट इज नॉट माइक्रोस्कोप, वी आर एबल टू सी दैट विद नेकेड आई. एक्चुअली क्या है कि इतने साल में इन प्लांट्स में एक्चुअली क्या आई, इनमें ये चेंजेस का एक सिक्वेंस आया. तो यही चेंजेस एक्चुअली इसमें अक्यूमुलेट होकर नई स्पीशीज भी बन गए, जिनको हम आज देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेनेट. तो इस इवोल्यूशन से हमें यह पता चलता है कि जो लाइफ है, लाइफ किस तरीके से इस अर्थ पे प्रेजेंट है. तो इन ये जो इवोल्यूशन है, इसके अगर हम देखेंगे एविडेंसेस क्या है, तो एविडेंसेस हम ये कहेंगे कि एक्चुअली हमने कुछ फॉसिल फ्यूल्स को देखा, यानी हमने कुछ फॉसिल्स को देखा. तो जो फॉसिल्स हैं, इन फॉसिल्स में जो फीचर्स या जो ट्रेट्स या जो फैक्टर्स प्रेजेंट थे, वो आजकल के प्लांट्स या आजकल के एनिमल्स में प्रेजेंट हैं. तो हम ये कहेंगे बेसिकली जो चेंज है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स में आ गई या इन नए स्पीशीज में आ गई, ये चेंज बेसिकली काफी सालों से चल रही थी, और यही चेंज एक बार बिल्कुल एक्यूमुलेट हो गई इन
ऑर्गेनिजम्स में, और हमने इस नए स्पीशीज को इस धरती पे पाया. एंड ए कॉमन एंड नंबर ऑफ कॉमन फीचर्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन बिकॉज दे कैन बी कंसिडर्ड इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. हम ये कहेंगे कि इन तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है दैट इज ए कॉमन एंसेस्टर. अगर हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ये हैं कि इनमें मतलब स्ट्रक्चर तो बॉडी का डिफरेंट है, मगर एक ही ऑर्गन का या एक ही स्पेसिफिक पार्ट का फंक्शन जो है वो सेम है. या हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जो कंपोजिशन है किसी स्ट्रक्चर है वो सेम है, अलबत्ता जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. नहीं, किसी में फंक्शन सेम है, किसी ऑर्गन का फंक्शन सेम है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और किसी में जो फंक्शन है ये डिफरेंट है मगर स्ट्रक्चर जो है ये सेम है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन ऑर्गेनिजम्स का एक्चुअली क्या है, इनका जो एंसेस्टर है ये कॉमन है, और इसी कॉमन एंसेस्टर में बैद में मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ गई, और उन्हीं चेंजेस ने बैद में इस ऑर्गेनिज्म को इतना ज्यादा विशाल बनाया, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे हमारे धरती पर एक ऑर्गेनिज्म था जिसको हम डायनासोर कहते हैं, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, एक रेप्टाइल था ये. तो पहले ये जो रेप्टाइल था ये काफी छोटा था, इसके बाद जब इसने धरती पे बाकी ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर दिया, प्लांट्स को खाना शुरू कर दिया, तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये फूड जो है ये जो प्लांट्स ये खत्म हो गए, देन दे शो अनदर चेंज, देन देयर वर्कअप अनदर चेंज दैट इज कॉल्ड एज द यानी ये कैनाबॉल बन गए, ये एक दूसरे का शिकार करने लगे. इसके बाद फिर से जब इनको लगा कि नहीं अभी हमें गुजा की कमी इनको महसूस नहीं, ये फिर इनमें फिर चेंज आ गई, तो इनमें एक्चुअली क्या देयर ऑकर्स द डेवलपमेंट ऑफ द विंग्स, देन दे गो फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस, एंड आखिरकार क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से इस दुनिया में इससे खत्म हो गई. तो ये जो चेंजेस एक्चुअली आती है इन ऑर्गेनिजम्स में, यही चेंजेस क्या एक्चुअली यही दैट गिव राइज टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक. हैव अ नाइस डे.